दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है दस। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे विनोद खन्ना, संजय दत्त, सलमान खान, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और राहुल देव। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल आनंद, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे मुकुल आनंद, सुनील मनचंदा और नितिन मनमोहन। तो दोस्तों, ये बात है साल 1997 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ कर दिया गया था। और बात करें इस एंटीसिपेटिंग फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो 10 एक प्रॉपर स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म होने वाली थी, जिसका मेन प्लॉट एक कवर्ड मिशन पे बेस्ड होने वाला था, जहां आर्मी जनरल यानी विनोद खन्ना एजेंट राजा सेठी और एजेंट जीत शर्मा को एक इम्पॉर्टेंट टास्क देते हैं कि ये दोनों अफगानिस्तान जाएं और वहां छुपे टेररिस्ट लीडर मस्त गुल और नशीमन यानी राहुल देव और रवीना टंडन को कैप्चर करें और पॉसिबल टेररिस्ट अटैक्स रोकें। और कैप्टन राजा सेठी और कैप्टन जीत शर्मा के किरदार में हमें संजय दत्त और सलमान खान दिखाई देने वाले थे। और कहानी अपना असल रुख तो तब लेती है जब इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जनरल विनोद खन्ना अपने कैप्टन्स के ज़रिए अपनी फेक किडनैपिंग प्लान करवाते हैं, ताकि मस्त गुल और उसकी टीम इन दोनों एजेंट्स को भी एक्सट्रीमिस्ट समझे। और इस सब में इनकी मदद करती है एक मीडिया रिपोर्टर यानी शिल्पा शेट्टी। अब इसके आगे फिल्म की कहानी थ्रिलिंग मोमेंट्स और कॉन्स्पिरेसीज पे बेस्ड होने वाली थी, जिसमें हमें हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 40 से 50% तक शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म डायरेक्टर मुकुल आनंद की अचानक मौत की वजह से पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी और इसे बीच में ही बंद कर दिया गया था। और फिर बाद में इस फिल्म के कुछ पोस्टर्स, सॉन्ग्स और बहुत से प्रोमोज को टीवी पे रिलीज किया गया था। और सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म का सॉन्ग सुनो गौर से दुनिया वालों, तो इस फिल्म की रिलीज से पहले ही एक बम्पर हिट साबित हुआ था। और फिर लीड एक्टर संजय दत्त और सलमान खान की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी ये फिल्म पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई और हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। और ऐसे बॉलीवुड फैंस एक लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से महरूम रह गए। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि संजय दत्त और सलमान खान की ये 10 मूवी अगर उस टाइम पे पूरी कंप्लीट हो के रिलीज़ हो जाती, तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपर हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।